किसी से भी ताल्लुक रखता हो, किसी से भी प्यार करता हो, किसी भी सिलसिले का हो, शर्त यह है कि मोहब्बत बेगरज हो, शर्त यह है कि मोहब्बत सच्ची हो। अगर सच्ची मोहब्बत आपको अपने शेख से हो गई तो फिर तुम दोजख में नहीं जाओगे। अगर सच्ची मोहब्बत तुमको अपने शेख से हो गई तो फिर तसव्वुफ के जो तुम्हारे रास्ते हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे। इसलिए कि तसव्वुफ में तीन सीढ़ियां हैं। फर्स्ट है फनाफिश शेख कहते उसको हैं जिसकी चाल ढाल, दिल दिमाग सोच फिक्र कल्बो नजर हर जगह उसका शेख समा गया हो, उसका पीर समा गया हो, उसका पीर घुस गया हो। जब यह मंजिल तय हो जाती है, दूसरी मंजिल आती है फनाफिर रसूल की। एक बात यहां बहुत जरूरी है कि अगर बंदा फनाफिर शेख हो गया, तन मन धन सब उसके शेख का हो गया, अब क्या बचा जो वो फनाफिर रसूल होगा? क्या बचा जो फनाफिर रसूल बनेगा? क्या देगा रसूल को? कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं बचा। तो ये गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, तीनों मंजिलें पीर के दर पर ही तय होती हैं, कहीं जाना नहीं होता है। तीनों मंजिलें तुम्हारे पीर के ही दरबार में तय हो जाती हैं, जाना कहीं नहीं है। तसव्वुफ में जाना नहीं रहता है, वापस आना रहता है। तसव्वुफ में चलना नहीं रहता है, रुकना रहता है। तसव्वुफ में इन आंखों से उतना नहीं देखा जाता है जितना अंदर की आंख से। अंदर की आंख जब खुल जाती है तो वो बंदा कीमती हो जाता है। इसलिए अल्लाह को देखना है, रसूल को देखना है, ये सब गैब में है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, वो भी तुमसे छुपे हुए। तो छुपी हुई चीज को देखने के लिए छुपी हुई आंखें कंपलसरी हैं, छुपी हुई आंख जरूरी है, जिसको तसव्वुफ की भाषा में बोलते हैं चश्मे बातिन, छुपी हुई आंख। जब वो खुल जाएगी तब तुमको महबूब के दर्शन हो जाएंगे। अगर वो ना खुली, वो कैसे खुलती है? जो शेख ने तुम्हारे तुमको जिक्र बख्शा हो, जो टेक्निक तुमको सिखाई हो तसव्वुर शेख की, उस पर ही कायम रहो। किसी के भी मुरीद हो, बस पीर से प्यार हो जाना चाहिए, बस तुम्हारी मंजिल चलना शुरू हो जाएगी। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही इरशाद फरमाते हैं कि जिसने बगैर जबान के उसका जिक्र किया और बगैर आंख के उसका दीदार किया, बगैर पैर के मंजिल चला, वो मंजिले मकसूद तक पहुंच गया। क्या है ये सफर? बाहर नहीं होता, ये सफर अंदर होता है। तसव्वुफ का सफर, रूहानी सफर अंदर होता है, बाहर नहीं होता, अंदर ही सब कुछ है। जिक्र सिर्री तुझ में है तो कुछ न कर, खामोश बैठ। कभी अकेले में, अंधेरे में अकेले बैठिए और आंख बंद करके कोशिश कीजिए अपने अंदर घुसने की, अपने अंदर जाने की, जो तुम्हारे शेख ने तुमको तरीका बताया हो। इंशाल्लाह उस दरवाजे पर कोई है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, दरवाजा खोल देगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खटखटाओ दरवाजा, दरवाजा ठोको, एक ना एक दिन खुल ही जाएगा। दरवाजा ठोकते रहो, ऐसा नहीं मैं नमाज पढ़ रहा हूं पता नहीं कबूल हुई कि नहीं हुई, रोजा रख रहा हूं पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं हुआ, हज किया पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लगे रहो, काम पे लगे रहो,
परवरदिगारे आलम अगर तुमको चाहता ना होता तो तुमको पैदा ना करता, तुमको चाहता था इसलिए पैदा किया, तुमको किसी मकसद से पैदा किया, किसी काम से पैदा किया है, बिला वजह नहीं पैदा किया है। उससे पूछो कि अल्लाह तूने मुझे क्यों पैदा किया, तो वो जवाब देता है वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने इंसान को और जिन्नात को पैदा किया सिर्फ इबादत के लिए, सिर्फ इबादत के लिए। तो इबादत बहुत सी किस्मों की, बहुत से किस्म की इबादत है। जिक्र में ही तमाम जिक्र हैं, जिक्र लिसानी जबान से जिक्र, जिक्र कल्बी दिल से जिक्र, जिक्र रूही रूह से जिक्र, जिक्र सिर्री छुपा हुआ जिक्र, जिक्र खफी उससे छुपा हुआ जिक्र। तो अपने अपने पीरों से पूछो ये क्या है, हमको भी बताओ। पीर लोग बेचारे डर के मारे नहीं बताते हैं, अगर हम बता देंगे तो ये भी वली हो जाएगा, फिर मेरा क्या होगा, डर के मारे नहीं बताते, अगर इसको बता देंगे तो ये भी वली हो जाएगा, ये भी परवरदिगार का बरगुजीदा बंदा बन जाएगा। हर आदमी अल्लाह का बरगुजीदा बंदा बन सकता है, मुमकिन है, बस जो तुम्हारे पीर ने तुमको तरीका बताया है उसको उसके पीर ने बताया होगा, उसको उसके पीर ने बताया होगा, वो कादरी हो, नक्शबंदी हो, सहरवर्दी हो, चिश्ती हो, वारसी हो, निजामी हो, फरीदी हो, कुतुबी हो, साबरी हो, कलंदर हो, कोई भी सिलसिले का हो, हर रास्ते से खुदा मिलता है। जाना सबको एक ही जगह है, तरीके अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, जो आदमी चले। पहुंच जाएगा, पहुंच ही जाएगा, पहुंच जाओगे, बस मेहनत करो। 24 घंटे दिन रात के होते हैं, तुम सबके लिए जीते हो। अगर तुम पता लगाओ, पूछो अपने आप से कि अल्लाह मैं किसके लिए जीता हूं, तो पता चलेगा तुम अपने लिए जी नहीं रहे हो, अपने बीवी बच्चों के लिए जी रहे हो, कोई किसी के लिए जी रहा है, कोई किसी के लिए जी रहा है, तुम अपने लिए नहीं जी रहे हो। अगर तुम अपने लिए सिर्फ एक घंटा निकालो, अपने लिए जीना शुरू कर दो, तो खुदा कहीं दूर नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं, अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान पाक में, नहनो अकरबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारे शहरक से भी ज्यादा करीब हूं। तो उसको पाने के लिए चलना नहीं है, अपने अंदर चलना है। मैं हर साल यही बोलता हूं कि शायद किसी के अंदर चिराग जल जाए, शायद किसी के अंदर रोशनी पैदा हो जाए। किसी से पूछो किसके मुरीद हो, फलां के, बहुत अच्छा, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। कितना साल हो गया, 40 साल, 40 साल हो गया और तुमको अभी खुदा का दीदार नहीं हुआ, खुदा के दर्शन नहीं हुए। एक ने अभी एक महीना पहले मुझसे पूछा था, क्या खुदा देखा जा सकता है? बोला हां बिल्कुल। हुजूर मौलाए कायनात से मदीने में एक यहूदी ने पूछा था, ए अली, जिस खुदा की तुम इबादत करते हो क्या उसको देखते हो? तो हुजूर मौलाए कायनात ने जवाब दिया था कि बेशक, क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है कि उस खुदा को पूजू जिसको देखू नहीं, मैं देखता हूं तब उसकी इबादत करता हूं। आइए रसूल की जबान में इसको समझिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज ईमान वालों की मेराज है। मेराज कहते हैं देखने को, मेराज कहते हैं जियारत को। तुम खुदा को देख सकते हो, लेकिन उससे पूछो खुदा से, या अल्लाह तू कैसा है, कैसा दिखता है? तो जवाब देता है, अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमानों का नूर है। तो अपने अंदर वो तजल्लियात रब्बानी का तुम दर्शन कर सकते हो।
जियारत कर सकते हो, दीदार कर सकते हो।